जो आलिगेसन आनी बीजेडी प्रेस मीट्रे सीधासलख शारदा प्रधान को टार्गेट करी एफआईआर अच्छी संपत्ति केमती बढ़ला याकू आप देखुं जो कल विधानसभा घेराव करने जाऊँ रश्मिरेखा मैडम गोटे कथा हूँ सी जो कथा विषय वस्तु रखिंट प्रथम कथा होची जे मंत्री प्रताप जेना ना रे जो जो पांचटा आलिगेसन आसी तार उत्तर से रखिपारे कि जो भाया भाव में आप दीप्ति बाबू कथा कहतु कूलमणि बराल बाबू कथा कहतु दिव्य सिंह बराल बाबू कथा कहतु विकास जेना कथा जो भाया भाव में हत्या कर खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला कथा सामना को आनबारू बीजेपी वरिष्ठ नेतृत्व कूलमणि बराल और दिव्य सिंह बाबू को जो भाया भाव में निर्मम हत्या कराइला सारा राज्यवासी देखिंट यार जवाब रे जो कुलिया मठ ठू आरंभ करके आज मुझे से शोभायात्रा सामिल थी और भुवनेश्वर से आसी से पदयात्रा पहुँची एवं आसंता काली विधानसभा घेराव कर कहीं ये सब जो कहीं आप जो कहते प्रताप जेना जो भाया भाव में कहते पाप धोवाई आई आज्ञा होती सब बड़ पापी जो भाया भाव में पांच जन हत्याकारी शिकार होते निजे आओ आप गोटे कथा हूँ प्रफुल्ल विश्वाल को जो भाया भाव हाँ, रास्तार हटे आउ किए सी ही निजे घर लोक जो भाया भाव में एफआईआर देखते से एफआईआर को चापी दी आज्ञा यही सब जिनस को कम को करुँच किए सी निजे ही करुँच पुलिस डिपार्टमेंट चपे दौर पावरफुल मंत्री ना जो आलिगेसन आसी होती तेरह नंबर मुदला कहीं गिरफ्त कराए कहीं थाना आने की पचराउचरा कर साधारण घटन छोट छोट थाना बाबू मैंने दौड़ी आसे नौ कि मंत्री प्रताप जेना जो भाया भाव में मंतव्य रखिंट आप देखी विगत दिन में जो हत्याकांड शिकार हत्याकांड कर जो भाया भाव में महांगा माटी को किए रक्त रंजित कर प्रताप जेना महांगर डबल मर्डर घटना कहतु पूर्व घटना कहतु परवर्त समय प्रफुल्ल विश्वाल को रास्त हटे देवार कथ कहतु ये सबूर चक्रांत निजे प्रताप जेना रचिंट प्रताप जेना एत पावरफुल मंत्री कहीं पुलिस डिपार्टमेंट